नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रैमको सीमेंट लिमिटेड। रैमको सीमेंट लिमिटेड ने आज बॉटम से रिवर्सल का पैटर्न शो भी किया है और उसका ब्रेकआउट भी दिया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं रैमको सीमेंट लिमिटेड को। और आप सभी से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रैमको सीमेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के साथ। तो रैमको सीमेंट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, रेडीमिक्स कॉन्क्रीट एंड ड्राई मोर्टार प्रोडक्ट्स। इट प्राइमरली केटर्स टू डोमेस्टिक मार्केट्स ऑफ इंडिया। अब इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो 21,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक का पी 68.9 का है, जो कि काफी ओवरवैल्यूड है। और आरओसी भी 6.55% है और आरओसी 5 ईयर का 11.3 है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आरओसी करंट ईयर का 6.55 और जो 5 ईयर का एवरेज है वो 11.3 है। तो जो करंट परफॉर्मेंस है वो एवरेज परफॉर्मेंस है, पुअर है। प्रॉफिट वेरिएशन भी आप देखेंगे तो माइनस में 9.25% है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी इसका पिछले 5 सालों से घट रहा है। करंट प्राइस इसकी 905 है, जो कि बुक वैल्यू के लगभग 3 से 4 गुना है। आरओई भी रिटर्न ऑन इक्विटी 5.14 है, जो कि काफी पुअर है। इंटरेस्ट कवरेज की वैल्यू 2.49 है, जो कि अबोव एवरेज है। और डेप्थ टू इक्विटी है 0.66। ये कंपनी डेप्थ फ्री है, लगभग डेप्थ की, क्योंकि जो इसकी इक्विटी डेप्थ है वो इक्विटी का 0.66% ही डेप्थ है। और हाई और लो आप देख सकते हैं, ये अपने हाई के आसपास चल रही। आप परफॉर्मेंस इसकी देखिए, प्रॉफिट वेरिएशन, जो प्रॉफिट घट रहा है 5 साल से कंपनी का, जो इसका करंट परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस पुअर है, पिछले 5 सालों के एवरेज परफॉर्मेंस है। फिर भी कंपनी अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रही है और आज भी इसने 5.37% का उछाल दिखाया है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नेगेटिव है। आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में कंपनी एकदम से आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में है और प्राइस ऊपर ही जा रहा है। प्रोस की बात करें, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। और अगर कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.15 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू और कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट और डिविडेंड पे आउट हैज बीन लोअर एट 10.3% ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर। अगर आप पीयर कंपैरिजन करें, जो कि ये सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट वो भी साउथ इंडिया इंडस्ट्री, क्या साउथ इंडिया, उसमें ये सेकंड नंबर पे आती है। डालमिया भारत लिमिटेड फर्स्ट नंबर पे आती है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, और रामको सीमेंट सेकंड नंबर पे आती है। इन दोनों का आपस में भी हम कंपैरिजन करें तो जो डालमिया भारत का पी ए 40 है और इसका 68, मतलब ये ज्यादा ओवरवैल्यूड है। सेल्स भी इसकी ज्यादा है आप देख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट वेरिएशन है वो इसका नेगेटिव में, जबकि डालमिया भारत का पॉजिटिव में। तो डालमिया भारत भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। और ओवरऑल अगर इस मार्केट में पीई के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो स्टॉक है एनसीएल इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैपिटल 978, जो कि एक स्मॉल टू माइक्रो कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी, इसका स्टॉक 15.15 है। सेल्स भी अच्छी है और प्रॉफिट लेकिन उसका अच्छा नहीं है, तो कंसिडर नहीं किया जा सकता। बाकी सेल्स उसकी अच्छी है तो ये भी एक चॉइस हो सकती है, मतलब कि अब इसको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए हम रैमको सीमेंट के चार्ट पे चलते हैं। तो रैमको सीमेंट का चार्ट, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि अप ट्रेंड में, और आप देखेंगे कि ये 2003 में जब से लिस्ट हुआ 37 रुपए से, तो इसने एक कुछ 3 नवंबर वाले मंथ में कुछ एक अचानक से कुछ हाई बना के फिर से वापिस वहीं पे आ गई है। तो या तो ये फ्रिक ट्रेड रहा होगा, कोई ना कोई रॉन्ग ट्रेड, नहीं तो अचानक से प्राइस इतना एक ही महीने में इतना जाके इतना आ जाना वापस, मतलब 15 दिन में जाना और 15 दिन में आना, ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है। 73 से लगभग 740, तो काफी बड़े मूवमेंट था एक ही महीने में। और अभी इसका हम लाइफ टाइम हाई की बात करें तो लाइफ टाइम हाई इसका जो है, जिसमें 3 कैंडल आप देख सकते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 कैंडल, 1119 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है। और अभी ये इसने लाइफ टाइम हाई के बाद जो इसने वापस जो नीचे आया, इसने 100 EMA के, जो आप पर्पल लाइन देखेंगे, 100 EMA से सपोर्ट ले रखा है और सपोर्ट लेके ऊपर गया है। ऊपर जाके अगेन ये नीचे की तरफ उसने 2 कैंडल बनाई है मंथली चार्ट में, और जो कि 9 EMA का सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है, 9 EMA का इसने सपोर्ट लिया है और ये अगेन उसने जो रेड कैंडल है उसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है। अब हम इसका वीकली चार्ट में देखते हैं, तो अभी जो हमारा इसमें मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग जो नीरेस्ट सपोर्ट होगा वो यही जो रेड कैंडल है उसका लो होगा। अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट में हमें ये क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो जो हमने लाइन किया वो इसका सपोर्ट है, उसके बाद ये डब्ल्यू एक तरह का डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। अब ये इसकी जो नेक लाइन है जो कि इस कैंडल का हाई होगी, इस कैंडल का जो हाई है वो है 929, 929 मतलब ये लेवल जो है उसका हाई है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अभी। और अगर इसको क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ तो हमारे लिए फिर ये ऊपर की तरफ जितना W का डेप्थ है उतने ही ऊपर की तरफ के हमारे टारगेट, जो कि लगभग कितने टारगेट होंगे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के सेंटर लाइन ये होती है, लेकिन टारगेट के लिए आपको ये दूसरी वाली लाइन खींचनी पड़ेगी जिसमें प्राइस रेंज आता है यहाँ से यहाँ तक का 104 पॉइंट का प्राइस रेंज है। और अगर मैं इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो आपको मिलेगा ये लगभग 1028 रुपये का टारगेट इसमें आना चाहिए। अगर ये उसके ऊपर भी सस्टेन करता है और ये इस स्विंग का हाई के आसपास भी है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तब आपको टारगेट 1121 रुपये का टारगेट इसमें मिल सकता है। लेकिन क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ तो दिक्कत है। और प्राइस ऊपर ही नहीं जा रहा, कंटिन्यूअसली काफी समय से ये अप ट्रेंड में भी है, जबकि पिछले 5 साल के इसका प्रॉफिट वेरिएशन भी आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में है और करंट परफॉर्मेंस भी जो पास्ट परफॉर्मेंस से भी पुअर है ROCE का आप देखेंगे तो। तो आप अगर इसका डेली चार्ट देखते हैं, आप देखिए डेली चार्ट में क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट में जो हमने जो लाइन मार्क की है वो एक तरह की इसकी ब्रेकआउट लाइन होगी, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए ऊपर के टारगेट जो कि 1029 तक के हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें BA टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।